गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुए फर्स्ट लुक कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। गाइस, वी ऑल नो कि पहले जब कांतारा रिलीज हुई थी, मूवी 16 करोड़ के अराउंड के बजट में बनी थी एंड मूवी ने ग्लोबली 400 करोड़ अप्रॉक्स कमाई की थी। एंड वी ऑल नो कि स्टोरी मूवी की कितनी ज़्यादा शानदार थी। अगर मैं BGM की बात करूँ, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, अगर मैं एक्शन की बात करूँ, अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ, अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ, ऋषभ शेट्टी ने हर जगह ऐसा काम कर दिया है कि मूवी ब्लॉकबस्टर हिट रही। एंड इसी सक्सेस के कारण ऋषभ शेट्टी मूवी का सीक्वल, एंड कहीं ना कहीं हम इसे सीक्वल नहीं कह सकते, मूवी का प्रीक्वल रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कांतारा की बैक स्टोरी एंड पंजुर्ली देव की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। फर्स्ट लुक देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितने ज़्यादा गूज़बम्प्स हमें कांतारा के पहले पार्ट में आए थे, इस प्रीक्वल के रिलीज होने पर भी हमें सेम एक्साइटमेंट, एंड कहीं ना कहीं सेम एक्साइटमेंट ही नहीं, इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें मूवी में देखने को मिलेगी। जब फर्स्ट लुक का वीडियो मैंने चालू किया एंड जो बैकग्राउंड म्यूजिक BGM जिस तरह के शॉट्स दिखाए गए हैं, आई एम डैम श्योर कि मूवी इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ तो लॉर्ड शिवा की कुछ इंस्पिरेशन हमें इस फर्स्ट लुक में भी देखने को मिली है। एंड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मे बी उनका जो कैरेक्टर है वो लॉर्ड शिवा से ही इंस्पायर्ड हमें लग रहा है। मूवी नो डाउट काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी को लेकर, क्योंकि वी ऑल नो कि ऋषभ शेट्टी किस तरह के एक्टर हैं। एक तो वो मल्टी टैलेंटेड भी हैं, एंड जिस तरह से उन्होंने काम करके दिखाया था कांतारा में, हम डाउट ही नहीं कर सकते कांतारा के चैप्टर 1 के बारे में। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी को लेकर, ईगरली वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ द मूवी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द OP Edutainment।